तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के लगभग 7 बज गए हैं और मैं उठ गई हूँ। अभी जा रही हूँ सबसे पहले तो अपने हस्बैंड का लंच बनाने के लिए, क्योंकि ये लगभग 8:30 बजे तक निकल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इनका लंच बना लेती हूँ और इसके साथ 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 में सबसे पहले चढ़ाते हैं चाय, क्योंकि जब तक चाय पियेंगे नहीं तब तक एक तरह की एनर्जी नहीं आएगी। और थोड़ा सा मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ, तो चलिए। तो ये देखिए, यहाँ रात में काफ़ी बारिश हुई है, इस वजह से मौसम काफ़ी अच्छा है। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है और थोड़ी ठंडक भी लग रही है। और ये देखिए, सब मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं किचन में और सबसे पहले हम चाय चढ़ाते हैं गैस पे, और इसके बाद जो आगे काम है वो सब कर लेते हैं। तो आ गई हूँ मैं अपने किचन में। चलिए सबसे पहले चाय बना लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने गैस पे चाय चढ़ा दिया है। अब मैं जा रही हूँ परवल काटने के लिए, तो आज मैं परवल आलू की भुजिया बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैं लगभग 6 से 7 परवल ले लिए हैं। तो सबसे पहले इसका ऊपर का हम थोड़ा थोड़ा छिलका छील ले रही हूँ मैं, ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद मैं इसे लंबे लंबे इन्हें कट कर लूंगी और इसके साथ मिलाऊंगी आलू की भुजिया जिस तरह बनाते हैं ना, तो बिल्कुल आलू उसी तरह से कट करेंगे। परवल और आलू को मिक्स करके हम भुजिया बनाएंगे। तो पहले परवल कट करते हैं। तो इधर मैंने एक पतीले में ले लिया है पानी, तो परवल को कट करके पहले पानी में डाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने दो इधर दो पीसेस में से कर लिए हैं और इसके बाद इसे हम लंबे लंबे पीसों में कट कर देंगे। अगर बीज इसके मोटे हैं तो आप निकाल सकते हैं, अगर इसके बीज मोटे नहीं है इसे मैं निकाल नहीं रही हूँ। कुछ इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। इस तरह करके सारे परवल को हम कट कर लेंगे और आलू को भी हम सेम इसी तरह से लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेंगे। सभी लोग जानते हैं कि आलू की भुजिया जिस तरह से बनती है, तो जिस तरह से हम कट करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आलू को भी कट करना है। इसका देखिए ऊपर का छिलका मैं खरोच के निकाल दे रही हूँ, पूरी तरह से छिलका नहीं निकालना है। ये देखिए, तो इसके बीज थोड़े मोटे हैं, इसका बीज मैं निकाल ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने निकाल दिया इसका बीज। लेकिन अगर आपके घर में परवल के बीज पसंद करते हैं ऐसा, तो आप कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इधर मैंने परवल कट कर लिया है, इधर मैंने आलू कट कर लिए हैं। तो मैंने जो आलू कट किया है इसमें छिलका मैंने रहने दिया है, अगर आपको छिलके नहीं पसंद है तो आप छुलके निकाल सकते हैं। तो मैंने इसे कट कर चुकी हूँ। और इधर मैंने लगभग 3 प्याज कट किए हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ा प्याज ज़्यादा डालने से थोड़ा और टेस्ट इसका बढ़ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा करके ही प्याज डालती हूँ। तो लगभग 3 प्याज कट कर लिए हैं मैंने, और इधर मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची ली है। तो चलिए अब हम भुजिया बनाते हैं। तो सबसे पहले इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें डाल लेते हैं सरसों तेल। तो ये देखिए, तेल अच्छा खासा गर्म हो चुका है और अब इसमें हम डाल देते हैं राई। अब इसमें हम डाल देंगे मिर्ची जो मैंने कट करके रखा है, और अब इसमें मैं दाल दे रही हूँ परवल। तो इसमें मैंने आलू भी डाल दिया है, इसे अच्छे से मिला देते हैं। तो
और अभी से हम लगभग 2 मिनट तेज आंच पर रखेंगे। ये एकदम बिहारी भुजिया है, बहुत टेस्टी बनती है। तो ये देखिए परवल में मैंने डाल दिया है हल्दी, अभी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, पहले इसे मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद इसे हम ढक देंगे और ढक के इसे लगभग लो मीडियम आंच पे रखेंगे लगभग 3 से 4 मिनट ढककर, ताकि ये अच्छे से सीज जाए, अच्छे से पक जाए। और इस मतलब एकदम अच्छे से नहीं, कम से कम कह सकते हैं 70% ये पक जाएगी। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम प्याज और नमक, इसमें हम कोई भी मसाले ऐड नहीं करेंगे, एकदम सिंपल भुजिया है ये। और खाने में जैसे कि पहले भी बताया काफी टेस्टी लगती है। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिला लिया, तो अब इसे हम ढक देते हैं और आंच को हम लो मीडियम पर कर देते हैं। तो ये देखिए लगभग 60 से 70% हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे नमक और प्याज। तो इसे मैंने नमक अभी जस्ट ऐड किया है और अब हम इसमें डाल दे रहे हैं प्याज। तो अब इसे हम अच्छे से मिला रहे हैं और इसके बाद इसे हम ढक जरूर देंगे, लेकिन आंच रखेंगे मीडियम पे, एकदम धीमा आंच नहीं रखना है, नहीं तो आलू पक जाएगी एकदम और हमारे जो परवल है वो नहीं पकेंगे। तो दोनों को अच्छे तरह से सेम मतलब बराबर से पकने के लिए हम इसे मीडियम आंच पे रखेंगे और वो भी ढक देंगे। बस बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए आप भुजिया कितनी टेस्टी हमें लग रही है। अब इसे ढकना नहीं है, बस हम इसे मीडियम आंच पे बस 2 से 3 मिनट और भूनेंगे और हमारी भुजिया एकदम रेडी हो जाएगी। तो बस इसे 1 से 2 मिनट और हम रखते हैं और तब तक इधर मुझे रोटियां बनानी है, तो मैं इधर रोटियां भी बना लेती हूँ। तो ये देखिए इधर भुजिया रेडी हो चुकी है, ये देखिए। और इधर मैं बना रही हूँ रोटी। तो भुजिया रेडी हो चुकी है और अब मैं इनकी लंच बॉक्स को रेडी करने जा रही हूँ, क्योंकि हो गया है इनके ऑफिस जाने का टाइम। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। तो अगर आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आए, मेरी रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लाइक शेयर और कमेंट आप जरूर कीजिएगा।